स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। इस गेट पर लिखा हुआ है मारो बरसाना और इसी रास्ते से होकर हमें बरसाना मंदिर पहुंचना है। तो बरसाना मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। पहले ये मार्केट देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। और इसी मार्केट से होते हुए हम बरसाना मंदिर के पास पहुँचे और अब हमें चढ़नी है 250 से 300 सीढ़ियाँ। तो चप्पल उतार कर हम अब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। देखे पहुँचे श्री लाडली जी महाराज मंदिर। तो फर्स्ट गेट से हम इंटर कर चुके हैं, अब हमें सेकंड गेट चढ़ना होगा। और मंदिर के ऊपर से नीचे देखने की तरफ बरसाना कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ये देखिए। और ये गया सेकंड गेट, यहाँ से एंटर करके हम श्री राधा रानी के दर्शन कर पाएंगे। चढ़ने के लिए और उतरने के लिए 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं इस मंदिर में। और लाडली जी मंदिर के दर्शन करके हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर के दर्शन करने, आपको दिखाएंगे आगे। कीर्ति मंदिर बरसाना ये भी कृपालु महाराज द्वारा बनवाया गया है। और जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर और हम अंदर जाकर आपको दिखाएंगे मंदिर का सारा व्यू कैसा है। देखिए ये राम मंदिर। और ये मंदिर के अंदर की मूर्तियाँ हैं और ये मंदिर राधा जी के माँ के नाम पर रखा गया है। उनकी माँ का नाम कीर्ति था तो इसी मंदिर का नाम कीर्ति मंदिर है। तो मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं। नई साल पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और यहाँ इस झांकी में श्री कृष्ण भगवान राधा जी को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान राधा जी को मना रहे हैं इस झांकी में। और यहाँ श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और राधा जी उनके कंधे पर हाथ रख कर खड़ी हैं। देखिए मंदिर अब जो है बंद हो चुका है, 12 बज चुके हैं, 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना।